हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1-2 अक्टूबर 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके जो है सभी करंट अफेयर्स को देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला से पहला है दोस्तों आपका, जय भगवान भूरिया को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC लिमिटेड के नए प्रशासक नियुक्त किया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आप लोग हाल ही में जो है चर्चा में रहा है, सोशल मीडिया में भी, न्यूज़ में भी रहा है। दोस्तों, वहाँ पे जो है वहाँ के मैनेजर द्वारा कहा गया था कि 1,000 रुपया ही जो है आप लोग निकासी कर सकते हैं, जो उनका कस्टमर था उन लोगों का, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था दोस्तों। तो उसी में दोस्तों, जय भगवान भोरिया को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नए प्रशासक नियुक्त किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों जय भगवान भोरिया जो है एस वारियम सिंह का स्थान पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इनसे पहले जो है एस वारियम सिंह वहाँ के प्रशासक थे। आगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के बोर्ड को अधिक्रमित कर दिया है। ठीक है, और RBI ने हाल ही में PMC के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। ठीक है ना, अभी जो है ये 10,000 रुपया कर दिया गया है, 1,000 था पहले तो वो अभी 10,000 कर दिया है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश 6 महीने तक लागू रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 6 महीने तक लागू रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, और जो कि 25वें गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर टू है, KS धातवालिया को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, KS धातवालिया को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। KS धातवालिया पहले वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी थे। KS धातवालिया सितांशु कार का स्थान लेंगे। ठीक है, इनसे पहले जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के आपका जो महानिदेशक थे वो आपका सितांशु कार थे। ठीक है ना, सितांशु कार थे, और वह सरकार के 28वें प्रधान प्रवक्ता होंगे। ठीक है ना, KS धातवालिया जो है वो आपका सरकार के 28वें प्रधान प्रवक्ता होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर थ्री, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश का पहला कार्यालय खोलने वाला बैंक बना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मेलबर्न कार्यालय में जो है अपना एक शाखा खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि देश का पहला कार्यालय खोलने वाला बैंक है SBI। ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI ने अपना मेलबर्न कार्यालय खोला है, और यह पहला भारतीय बैंक बन गया है जिसकी विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलिया राज्य में एक शाखा है। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो है वो आपका रजनीश कुमार है, और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई हुआ, और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुआ है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। डेली जो है सुबह आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, एवरी डे मिल जाएगा। ठीक है, DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक, नेक्स्ट है आपका, DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, DRDO ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भू हमला संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज वाले इस मिसाइल को जमीन और समुद्र में स्थित प्लेटफार्म दोनों जगहों से दागा जा सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल जो है, जो कि आपका सफल परीक्षण किया गया है, इसमें आपका 290 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज वाली मिसाइल को जमीन और समुद्र में जो है स्थित प्लेटफार्मों से दोनों जगहों से जो है दागा जा सकता है। लिखा हुआ है कि ब्रह्मोस DRDO और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, तो वो किस देश के संयुक्त जो है उद्यम है, तो वो आपका NPO। ठीक है ना, NPOM। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष दोस्तों जी सतीश रेड्डी है, और DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर 5, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में केरल शीर्ष पर है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो है नीति आयोग द्वारा जो है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में केरल का स्थान पहला है। हाल ही में जो है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का जो रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है, कल ही जो है इसको जारी किया गया है, जो कि दोस्तों आपका इस सूची में जो है पहला स्थान आपका केरल का है, केरल का इस स्थान रहा है, और सबसे अंतिम सूची में जो है आपका उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात है जो कि उत्तर प्रदेश जो है आपका नीचे रहा, और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ जो है सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर 6, नंबर 6 है भारत के एन विल्सन और सतीश कुमार प्रजापति ने बेंगलुरु में आयोजित एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत के एल विल्सन सिंह और सतीश कुमार प्रजापति ने बेंगलुरु में आयोजित एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्क्रीनाइज ड्राइविंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। आगे एन विल्सन सिंह और सतीश कुमार प्रजापति की जोड़ी ने उज्बेकिस्तान के जाइनेट डिनोव मार्शल और खसानोव बोतिर को हरा कर 290.19 अंक बनाए। उज्बेकिस्तान के जाइनेट डिनोव मार्शल और खसानोव बोतिर ने 280.53 अंक बनाए हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर 7। नंबर 7 है सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दोहा में आयोजित 2019 IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में जमैका की लेजेंड धावक सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो कि दोहा की है, दोहा में आयोजित है ये आपका IAAF है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि जमैका के रहने वाली जो है लेजेंड धावक है सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर की दौड़ में। यह 100 मीटर दौड़ में उनका चौथा विश्व खिताब है। सेली एन फ्रेजर प्रिंस की जो है ये 100 मीटर दौड़ में उनका चौथा विश्व खिताब है। उन्होंने ब्रिटेन की यूरोपीय चैंपियन और रजत पदक जीतने वाली दीना असर स्मिथ को हराया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है आपका दीना असर स्मिथ रही है। ठीक है, चलिए आगे है आपका नंबर 8। नंबर 8 है भवानी देवी ने बेल्जियम टूर्नामेंट में रजत पदक जीती। भवानी देवी जो है उन्होंने बेल्जियम टूर्नामेंट में रजत पदक जीती है। भारतीय महिला भवानी देवी ने बेल्जियम में थॉर्नोई सैटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता, जो कि विश्व स्तर का है, में महिला साबरे व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, तलवारबाजी जो है एक प्रतियोगिता था आपका थॉर्नोई सैटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता, जो कि विश्व स्तर की है, उसमें जो है भारतीय महिला है आपका भवानी देवी ने जो है इसमें आपका रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक जो है जीत हासिल की है। वह फाइनल में अजरबैजान की अन्ना बास्ता से 15-10 से हार गई। 15-10 के मुकाबले से जो है वो हार गई। ठीक है, फाइनल में लिखा हुआ है कि बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स हुआ और बेल्जियम की मुद्रा आपका यूरो हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर 9। नंबर 9 है एशिया F1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता लेविस हैमिल्टन बने। ठीक है, एशिया F1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता लेविस हैमिल्टन बने। मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 के विश्व चैंपियन लेविस हैमिल्टन ने रूस में सोची ऑटोड्रोम रेस ट्रैक पर एशिया F1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता। मर्सिडीज के जो है वाल्टेरा वटास, जो कि फिनलैंड के रहने वाले हैं, दूसरा, और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क, जो कि मोनाको के रहने वाले हैं, ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे है आपका नंबर 10। नंबर 10 है भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के दिग्गज वी गणेशन का निधन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के दिग्गज वी गणेशन का निधन हो गया। वह 18 साल की उम्र में नेताजी के INA में शामिल हो गए थे और उन्होंने सिंगापुर में 6 महीने का सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। म्यांमार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और यांगून जेल में 10 महीने तक कैद रखा गया था। फिर उन्हें बाद में भारत वापस भेज दिया था। और उन्हें दोस्तों आपका 2012 में राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नंबर 11। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ओपेरा स्टार जेसी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ओपेरा स्टार जो है जेसी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। उन्हें जो है आपका ग्रैमी अवार्ड से भी जो है पुरस्कार मिला हुआ है।
उनकी भावुक सोप्रानो आवाज की वजह से उन्हें 4 ग्रैमी पुरस्कार और कला के राष्ट्रीय पदक मिला हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि जेसी नॉर्मन ने 1969 से बर्लिन में अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने मिलान, लंदन और न्यूयॉर्क में भी अपनी मधुर आवाज़ से लोकप्रिय हासिल की। ठीक है, लोकप्रियता जो है उन्होंने हासिल की। जेसी नॉर्मन 52 साल की उम्र में 20 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र में केनेडी सेंटर ऑनर का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। ठीक है, जेसी नॉर्मन जो है जो कि 52 साल की उम्र में 20 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र में केनेडी सेंटर ऑफ ऑनर का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। चलिए आगे है आपका नंबर 12। नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस आधुनिक समय में वृद्धों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने और बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये जो आपका 1 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है मनाया जाता है, जिसकी जो है जागरूकता होती है कि बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को जो है समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट है। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2019 का विषय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2019 का जो थीम है वो आपका द जर्नी टू एज इक्वलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है या विषय वर्तमान और भविष्य में बुढ़ापे की असमानताओं को रोकने के साथ मुकाबला करने के रास्ते पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे है, लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हुआ जो कि यूएसए में है। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी वर्तमान में एंटोनिया गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी वर्तमान में एंटोनिया गुटेरस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर 13। नंबर 13 है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर यूनेस्को और दूरदर्शन ने द्विभाषी टीवी कार्यक्रम की साझेदारी की। ठीक है, महात्मा गांधी की जो है 150वीं जयंती जो है कल जो पार हुआ है, इस दौरान जो है यूनेस्को और दूरदर्शन ने द्विभाषी टीवी कार्यक्रम की जो साझेदारी की। सार्वजनिक सेवा प्रसारक यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है और दूरदर्शन ने 1 और 2 अक्टूबर 2019 को द्विभाषी टीवी कार्यक्रम महात्मा लिव्स या बापू जिंदा है के प्रसारण के लिए साझेदारी की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी जी के विचारों और शिक्षाओं का खुशी मनाना है, जिसने भारत के अलावा, ठीक है, भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोगों के जीवन का आकार दिया है। ठीक है, जीवन को आकार दिया हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजेले है। ठीक है ना, ऑड्रे ओजेले है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर 14। नंबर 14 है भारत पर्यटन के सहयोग से मुंबई में गांधी फिल्म फेस्टिवल महोत्सव होगा। ठीक है, भारत पर्यटन के सहयोग से मुंबई में गांधी फिल्म महोत्सव होगा। भारत पर्यटन के सहयोग से फिल्म डिवीजन 2 से लेकर 6 अक्टूबर तक जो है 2019 तक मुंबई में गांधी फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक है, फिल्म डिवीजन कर रही है 2 से 6 अक्टूबर 2019 तक, जो कि भारत पर्यटन के सहयोग से कर रही है। यह फिल्म महोत्सव महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और अंतिम आपका नंबर 15। ब्रिटिश संसद में भारतीय मीडिया में सबसे शक्तिशाली महिला का पुरस्कार केली पुरी को प्राप्त हुआ। ठीक है, केली पुरी को जो है आपका भारतीय मीडिया में सबसे शक्तिशाली, ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारतीय मीडिया में सबसे शक्तिशाली महिला का पुरस्कार केली पुरी को प्राप्त हुआ। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है आपका केली पुरी को ब्रिटिश संसद में कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड्स में भारतीय मीडिया में सबसे शक्तिशाली महिला पुरस्कार जो है दिया गया है। किसको दिया गया है, जो कि आपका केली पुरी को दिया गया है। केली पुरी को इससे पहले लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड्स 2019 में आउटस्टैंडिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का था। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, आपको डेली जो है करंट अफेयर का क्वेश्चंस मिलेगा। दोस्तों इसका पीडीएफ भी जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को किसी प्रकार का असुविधा हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कि करंट अफेयर आप लोगों को किस प्रकार से चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड चाहिए कि इस प्रकार से चाहिए। ठीक है, तो वह मैं उस प्रकार से ही आप लोगों को जो है मुहैया कराऊँगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।